बिहार में मॉनसून की एंट्री हो चुकी है। ऐसे में मंगलवार की सुबह से रात तक रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने बताया कि उत्तर बिहार के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है। इसके साथ ही कई जगहों पर वज्रपात की आशंका जताई जा रही है। निचले इलाकों में जलजमाव यातायात बाधित होने की आशंका जताई गई है। सोमवार की रात से जारी बारिश मंगलवार की सुबह तक होती रही। इसके बाद दिन में रुक रुक कर बारिश होती रही। इसके कारण शहर के कई इलाकों में जलजमाव से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। बिहार की कई नदियों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। गंडक, कोसी सहित अन्य दूसरी नदियों में अभी से ही पानी खतरनाक स्तर पर पहुंचने लगा है। बिहार के नदियों में हो रही बारिश का असर पटना में भी दिखने लगा है। जिस तरह से गंगा नदी के जलस्तर में वृद्धि हो रही है, वहीं खतरे की संभावना को देखते हुए लोगों को गंगा नदी में घूमने जाने से रोके जाने की बात कही जा रही है। तो बहुत समस्या देखने पानी भरा हुआ है पूरा घर में, और दो दिन के बाद पूरा घर में हिल जाता है। सोने में बहुत दिक्कत होता है। बरसात के कारण गंगा जी का बहुत पानी भर गया है और इसी के कारण घर में भी हिल जाता है। सरकार से क्या उम्मीद रखेंगे? जो उम्मीद है रखते हैं वो तो टूटेगा यार। क्या रख सकते हैं सरकार से? मैं जो मांगता था वो नहीं मिल गया, जो सरकार बोल रहे हैं वो भी नहीं लाभ दिया जा रहा है हम लोगों का। गौरतलब है कि प्रत्येक वर्ष सरकार और निगम की तरफ से लाख दावों के बावजूद भी थोड़े से बारिश से निगम की पोल खुल जाती है। आखिर न्यूज़ 24 के लिए पटना से ब्यूरो रिपोर्ट।